एक बौद्ध भिक्षु भोजन के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था। उसने एक अनोखा देखा। उसने बिना पैर की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा, आखिर इस हालात में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वो अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उसकी तरफ आ रहा था। भिक्षु तेजी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया हुआ था, उसे अपने जबड़ों में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ते चला जा रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा दे दिया। भिक्षु को यह देखकर आश्चर्य हुआ और शेर को लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु यहाँ से आश्चर्यचकित हो गया। उसने आंखों पर अपनी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं पर आया और फिर से छिपकर देखने लगा। और आज भी शेर ने कुछ ऐसा ही किया। भिक्षु बोला कि यह भगवान होने का प्रमाण है, मतलब भगवान तो होते हैं, वह जिसे भी जिंदा पैदा करता है उसे रोटी भी इंतजाम कर देता है। आज से लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊँगा, वहीं से अगर वो चाहेगा तो मेरी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यही सोचकर वह एक वीरान जगह में बैठ गया। पहला दिन बीत गया, कोई नहीं आया। दूसरे दिन वहाँ पर लोग आए बट किसी ने भिक्षु की ओर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी, फिर वह चल भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजरे और भिक्षु के पास पहुँचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए भगवान के प्रति मेरा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, किसी को इस हालात में पहुँचाना पाप नहीं है क्या। महात्मा जी बोले, बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह ही। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें ये मिलती है कि अपने देखने का नज़रिया बदलो तो सब कुछ सही होगा। आई होप कि दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए।